हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आज हमारा 16th डे है, जो हमारा 60 डे प्रोग्राम है उसके अंदर 16वां लेक्चर है ये। और शुरू करते हैं, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। काफी स्टूडेंट्स हैं, मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमें प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर एंटर करना है, कि सर हमें प्रीलिम्स प्रोग्राम ज्वाइन करना है। स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स प्रोग्राम में ये जो वीडियोज है, चाहे वो हिंदी के अंदर है चाहे वो इंग्लिश के अंदर है, अभी सभी के लिए फ्री कर रखी है वीडियोस। अदरवाइज ये हमारे पेड लेक्चर थे, ये फ्री है सभी के लिए वीडियोस। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है या फिर स्टडी मटेरियल है, उनकी फीस है। आप लोग क्या करते हो, मैसेज तो बहुत स्टूडेंट करते हैं कि सर हमें प्रीलिम्स प्रोग्राम में ज्वाइन कर लो। प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर आपको फ्री लेक्चर्स का लिंक दे दिया जाता है, आप लोग लेक्चर देख लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। उसकी सारी डिटेल आपको दे दी जाती है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल भी भेज दी जाती है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी कीजिए प्रैक्टिस। अगर हरियाणा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल जान सकते हैं। चलिए हमारा लेक्चर जो है शुरू करते हैं उसको। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और काफी स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है, मैं लेक्चर जो है लेक्चर के नीचे जो कमेंट किए तो मैं देखता हूँ, काफी स्टूडेंट्स को बहुत नॉलेज है। जितने भी कमेंट करने के लिए बोलता हूँ उसका आंसर, तो काफी बच्चे तो बहुत सारे आंसर करते हैं, उनको चीजें याद भी हैं। और जिनको याद नहीं है वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दूसरे के कमेंट पढ़ के याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वीडियो देखते हैं, लेक्चर देखते हैं और अपना चले जाते हैं, ना उनको कुछ मतलब है क्लास से, ना उनको ये मतलब है कि सर ने कुछ कहा है ना पूछा है, तो उनका एक अलग ही स्वैग चल रहा है। चलो जैसे भी है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको फायदा जरूर होगा, ये मेरी श्योरिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? तो भाई HPCL का, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, HPCL किसके अंडर आता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, किसको किया गया? पुष्प कुमार जोशी को। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है। हु ये मिनी रत्न है, महारत्न है या नवरत्न कंपनी? HPCL मिनी रत्न है, महारत्न है या फिर नवरत्न कंपनी? कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने आपको तीसरे या चौथे लेक्चर में कहा था कि आप लोग जो है मिनी रत्न, महारत्न, ये सारे और नवरत्न, इनके बारे में पढ़ लेना, इकोनॉमी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सारे लेक्चर्स का, वहां से जाके आप एक ही जगह पर सारे लेक्चर असेस कर सकते हैं। आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेंगे, आप सारे पुराने लेक्चर्स देख पाएंगे एक साथ। कल मैंने पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कल मैंने आपको पूछा था। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, कितनी है? 34, 33 जजेस होते हैं और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक सीजे होता है, तो टोटल 34। हु इज द करंट सीजे ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कल बताया भी था मैंने। हाउ लॉन्ग हैज द एशियन गेम्स 2022 टू बी हेल्ड इन चाइना बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू COVID-19? तो चीन में होने वाले एशियाई खेल 2022 को COVID-19 के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है? कब तक किया गया? 2023 तक जो है अभी एशियन गेम्स नहीं होंगे। टैप टू पे फॉर यूपीआई, टैप टू पे फॉर यूपीआई इज ए न्यू फंक्शनली लॉन्च्ड बाय विच डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो भाई टैप टू पे फॉर यूपीआई अब किसने लॉन्च कर दिया है, किसने किया है? गूगल पे ने। जो आपको बताया जाता है ना कि आपकी फीस आप गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई या पेटीएम से पे कर सकते हो, ये वही गूगल पे है। द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड हैज बीन इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर विच एनिमल? तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के? द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया। किस एनिमल के लिए जारी किया गया? तो ब्लैक राइनोसोर्स के लिए जारी किया। वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड वर्ल्ड किसने इशू किया? वर्ल्ड बैंक ने। और किस एनिमल के लिए किया गया? ब्लैक राइनोसोर या फिर काले गैंडे के लिए इसको जो है जारी किया गया। समझ आया आपको, याद रहेंगी चीजें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ रेलवे हैज कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन? मतलब अब इसमें 100% ट्रेनें जो है इलेक्ट्रिफिकेशन से दौड़ेंगी, यहां पर डीजल इंजन बिल्कुल बंद कर दिए गए, तो 100% 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया किस रेलवे खंड के अंदर? चार यहां पर ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या है? कोंकण रेलवे। पता है ना करंट कितने रेलवे जोन है भारत में? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए रेलवे जोन कितने हैं अभी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, फिर आप कहेंगे कि सर ने तो बताया नहीं था।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज पार्टनर्ड विद महागम टू रोल आउट द बैंक सखी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत के किस राज्य में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए महाग्राम के साथ भागीदारी की है, सॉरी किस राज्य के साथ की है? ओडिशा के साथ। ओडिशा के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है बैंक सखी परियोजना लॉन्च कर रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन कर किसके राज्य में रहा है? ओडिशा के अंदर। पहले भी मैं ओडिशा से काफी क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेना जाके पिछले लेक्चर्स। नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव, अब ये संभव क्या है? संभव याद रखना, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है संभव, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। एग्जाम में क्या लिखा होगा, ये शायद ना भी दिया, वहां पर लिखा होगा संभव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्थापना कब हुई थी एमएसएमई की? तो बच्चों जो एक सीरीज होती है ना, सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। श्रृंखला में कैसे समझ आता है, अगर अगर ए बी सी डी आएगी आपको, ए बी सी डी समझ आएगी तभी तो कैट बैट समझ आएगा। अगर ए बी सी डी ही नहीं पता तो कैट बैट कैसे पढ़ेंगे आप लोग? इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर ये लेक्चर देखोगे तो ही आगे के लेक्चर समझ आएंगे, ठीक है? बाकी करंट अफेयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं आपको करवा के चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे 60 के 60 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। अगर फायदा चाहिए तो एक से शुरू हो जाओ, एक दिन में चाहे सारे लेक्चर कंप्लीट कर लो, लेकिन कर लो, समझ आ जाएंगी चीजें, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। 4 घंटे, 4 घंटे लगातार लेक्चर देखने के बाद आपको खुद समझ आएगा कि क्या चीजें आपको अब तक पता नहीं थी और क्या क्या चीजें पेपर पास करने के लिए आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें फिर समझ आएंगी जब आप सारे लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टेट वॉज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों में है? राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों में, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। टू प्रमोट द इम्पोर्टेंट ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट एंड देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो भाई आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट लॉन्च किया गया है? कौन सा किया गया है? आरोग्या वनम। आरोग्या वनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस लिए? आयुर्वेदिक पौधों का महत्व और उनके मानव शरीर पर जो उनके प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए, तो आरोग्य वनम किससे संबंधित है जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज बीन एक्वायर्ड बाय विच ऑफ दीज कंपनीज। तो भाई टाटा ग्रुप ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया है, इसको एक्वायर कर लिया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस। हु इज द ऑथर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अभी मैं यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन आपको रिविजन के लिए लेकर आया हूँ, पहले भी मैंने ये क्वेश्चन एक बार करवा चुका हूँ। तो फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा। किरण बेदी कौन है, किसी को पता है? इंडिया वुमेन हॉकी टीम वन विच पोजिशन इन द एशिया कप 2022। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एशिया कप 2022 की जो है विनर टीम कौन सी है, इसमें क्या पूछा गया? इंडियाज वुमेन हॉकी टीम वॉन विच पोजीशन इन एशिया कप 2022। अब एशिया कप 2022 की विनर टीम कौन सी है? तो भाई भारत को तीसरा स्थान मिला है, विनर कौन है, नंबर वन पे कौन रहा है, बताइए। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ सारी चीजें, आप कितना याद रखते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर मान लो याद नहीं आ रहा है तो क्या करो, रिविजन करो भाई। रिविजन, रिविजन कैसे होगी, ये जो वीडियोज हैं इनको या तो इनके नोट्स बना लो खुद से, नोट्स कुछ बच्चे हैं कि नोट्स नहीं बनाते क्योंकि नोट्स में सारी चीजें लिखी नहीं जाती, 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट नोट्स बनाने में लग जाते हैं, आई नो दैट। तो क्या कर सकते हो, नोट्स नहीं बना सकते तो वीडियो को फास्ट करके, फास्ट फॉरवर्ड करके, मान लो 20 मिनट का वीडियो है, अगर इसको आप लोग इंटू टू करके देखेंगे ना, प्लेलिस्ट जो स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो 10 मिनट में पूरा आपको लेक्चर जो है समझ आ जाएगा, 10 मिनट में पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन। Which country has started the world's longest metro line? तो किसने की है? चाइना ने शुरुआत की है, क्वेश्चन पता होना चाहिए। Which IIT has emerged as the best institute under the CFTI Central University and Institute of National Importance category in the ARIIA 2021? अब देखिए यहां पर दो चीजें, पहला तो है CFTI क्या है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो CFTI के हमें समझ आ गई, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब ARIIA क्या है?
अटल रैंकिंग इनोवेशन इंस्टीट्यूशन, सॉरी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन, ठीक है। तो ये इन दोनों के बारे में क्या क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज अमर्ड एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो कौन सा आईआईटी बेस्ट इंस्टीट्यूट है ए आर आई आई 2021 के अंदर, कौन सा है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, आईआईटी मद्रास। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आईआईटी मद्रास किस राज्य में है तो क्या आपको पता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इश्योरेंस ऑफ द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड बिफोर असेंबली इलेक्शन इन हाउ मेनी स्टेट्स। मैंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में आपको बताया था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में जाके पढ़ लेना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ बॉन्ड जाके पढ़ लेना, टाइप ऑफ बॉन्ड्स इकोनॉमी के अंदर है ये चैप्टर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो पढ़ लेना जाके, इकोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो पर पूछा क्या गया है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी है, तो कितने, 5 राज्यों में, 5 स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चुनावी बॉन्ड क्या है, कैसे इशू करते हैं, कितनी लिमिट के अंदर कितने पैसों तक इशू किए जाते हैं, ये जाके पढ़ देना। सेंटर अपॉइंट कमेटी टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हु विल हेड द कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछेंगे, अजय भूषण पांडे। ईडब्ल्यूएस को फिर से जो रिविजिट क्राइटेरिया करने के लिए एक नई कमेटी बनाएगी, उसका हेड कौन है, अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अवार्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स, हु हैज बीन अवार्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, इसको कहा गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज। इंडिया इज शेड्यूल्ड टू साइन ए डील टू प्रोक्योर अराउंड 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स विद विच नेशंस, भारत किस देश के साथ लगभग 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है, तो भी AK-203 असॉल्ट राइफल किस कंट्री से हम खरीदते हैं, तो रशिया से, किससे, रूस से। रूस का प्रेसिडेंट कौन है, बहुत न्यूज के अंदर रहा है ये सारी चीजें, मार्कोस जूनियर हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, मार्कोस जूनियर हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का है, फिलीपींस, राजधानी क्या है, मनीला। अब मनीला सुन के कुछ याद आया, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, मनीला के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। इस तरह से चीजों को इंटर रिलेट करके पढ़ा करो, जैसे मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, बीच में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको जाके पॉलिटी में पढ़ना है, इकोनॉमी में पढ़ना है, मंदिरों के बारे में कुछ करंट अफेयर में आया तो जाके मैंने बोला कि हिस्ट्री में जाके मंदिरों के बारे में पढ़ो, हालांकि मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ डे बाय डे, दूसरे लेक्चर्स आपको जीएस के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, थोड़ा सा खुद को आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने हरियाणा सिविल सर्विसेज एसडीएम डीएसपी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कुछ एक अच्छा ऑफिसर पोस्ट ऑफिसर का पद लेना है, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि सर ने मेहनत कर ली तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं, मेहनत से ही काम बनेगा। मैं आपको यहाँ पर पूरी आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आपको सारी चीजें बताता हूँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप लोग स्मार्ट वर्क किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि मानने का नाम ही नहीं है, वो उनको समझ में नहीं आती चीजों की। हाँ, जब ये एचसीएस 10 जुलाई को हो जाएगा ना, पेपर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उनको कभी ये वीडियो मिलेगी मेरी यहाँ पर यूट्यूब पर, फिर कहेंगे कि काश ये वीडियो मुझे पहले मिल जाती, एक आके देखो तो सही, पिछले जो है 3 एग्जाम्स में हम लोग लगातार अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर हरियाणा के अंदर अच्छे रिजल्ट दिए हम लोगों ने, तो भाई पढ़ोगे तो मेहनत करोगे आपका भी रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। यूपीपीसीएस के अंदर हमारे इतने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट इंडिया इंडियन टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटन, तो ये एक बैग निर्माता कंपनी है, ये बैग बनाता है, तो लुइस विटन का जो है पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो 4 ऑप्शन देखें, दीपिका पादुकोण को इन्होंने भी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, क्वेश्चन बैंक बाइलिंगुअल है और चैप्टर वाइज है, इसके अलावा आपके पूरे सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर एंशियंट मेडिवल मॉडर्न तीनों पार्ट का अलग अलग से क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा, पॉलिटी इकोनॉमी वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर
सभी का एक एक आपको अलग अलग सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक आप लोग जो है ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एचसीएस एग्जाम्स के लिए, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, कम समय में आपको पूरा सिलेबस कवरेज मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए, वहां से जाके आप लोग जो है देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।